स्टूडेंट्स वी वर डूइंग इनफाइट सीरीज स्टूडेंट्स इनफाइट सीरीज में आज हम करेंगे गॉस टेस्ट जितने भी अभी तक हमने टेस्ट किए डिल्बर रेशो टेस्ट उसके बाद हमने किया कौशी रूट टेस्ट उसके बाद हमने किया रेबीस टेस्ट लॉक्रिथमिक टेस्ट वो सभी फॉर लिमिट एल इक्वल टू वन फेल हो जाते थे गॉस टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है विच नेवर फेल्स सो जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो हमने टेस्ट यूज किए उनसे किए वो सारे आप गॉस टेस्ट से भी ट्राई कर सकते हो सो लेट एस नाउ टेक डेफिनेशन और यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ गॉस टेस्ट वट इज़ गॉस टेस्ट इफ़ समीशन ए एन इज पॉजिटिव इज सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सो गॉस टेस्ट इज ऑल्सो वेलिड फॉर दी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ओनली सच दैट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस लैमडा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन टू दावर वन प्लस डेल्टा वेर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एंड गामा एन इज बाउंडेड सीक्वेंस सो अब इसमें देखो आप ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की रेशो जो है वो किसके इक्वल है यहाँ पे एक फैक्टर है लैमडा और एक फैक्टर दिया हुआ है गामा एन जो गामा एन है वो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देन दीरीज सीरीज ए एन इज़ कन्वर्जेंट फॉर दिस लेमडा सो जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो आप किस पर डिपेंड कर रही है इस लैमडा पे सो इट विल डिपेंड ऑन द लैमडा लैमडा क्या है कोफ़िशंट ऑफ वन अपॉन एन सो इफ दिस लेमडा इज ग्रेटर देन वन एंड इट विल बी डाइवर्जेंट इफ दिस लेमडा इज लेस देन और इक्वल टू वन दैट इज इक्वल टू वन पे भी इट विल गिव यू रिजल्ट दैट इट इज इट इज डाइवर्जेंट सो इट नेवर फेल्स सो लेट अस नाउ कंसीडर द प्रूफ ऑफ द थर्म सो प्रूफ के लिए जो हमें गिवन है वी हैव गिवन An upon a n plus 1 is equal to 1 plus lambda upon n plus gamma n, which is a bounded sequence upon n to the power 1 plus delta. Delta is always positive. So take this as number 1, which is given to you. As gamma n is bounded, so bounded hai to bounded above b a, bounded below bhi hai. So gamma n modulus is less than or equal to k for all n. सो इट इज लेस देन और इक्वल टू सम फाइनाइट क्वान्टिटी दैट इज़ के विथ फॉर ऑल एन ठीक है ये हमने क्या यूज़ की बाउंडेडनेस की डेफिनेशन यूज़ की इट इज़ लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर से के सो नेक्स्ट टेकिंग डिवाइडिंग सबसे पहले हमने डिवाइड किया एन टू दावर वन प्लस डेल्टा जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स एंड देन टेक लिमिट एन अप्रोचिज टू इन्फिनी सो so, आपके पास के अपॉन एन टू पावर वन प्लस डेल्टा कहाँ अप्रोच करेगा जीरो को क्योंकि एन की पावर क्या है पॉजिटिव डेल्टा भी पॉजिटिव है वन प्लस पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव सो इट विल ऑलवेज लाई इन डिनोमिनेटर सो वन अपॉन एन टू द पावर समथिंग इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो वेन एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी सो दिस लिमिट इज लेस देन और इक्वल टू यू कैन से ज़ीरो सो लिमिट क्या आ गई इसकी जीरो सो वी विल यूज दिस लेटर ऑन अब हमारे पास जो हमें गिवन था ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस लैमडा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन प्लस एन टू दावर वन प्लस डेल्टा को यूज करके सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड्स जब हम वहाँ से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू लैमडा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन टू द वन प्लस डेल्टा नाउ मल्टीप्लाइंग एन बोथ साइड्स स्टूडेंट्स हम कर के आ रहे हैं वी आर हेयर ट्राइंग टू अप्लाई विच टेस्ट रबीज टेस्ट रेबीज टेस्ट ही होता है एन इन टू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया एन से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज लैमडा एंड दिस इज गामा एन ए कैन कैंसिल हो गया एन टू दावर डेल्टा so again when n approaches infinity since delta is positive so this will approach 0 so we here left with only lambda so here it is lambda so by rabi's test summation a n is convergent whenever lambda is greater than 1 and it will diverge whenever lambda is less than 1 so what happens when lambda is equal to 1 when lambda is equal to 1 rabi's test fail अब जब राबीज टेस्ट फेल हो जाता है उसके बाद हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे डी मॉर्गन्स टेस्ट और डी मॉर्गन्स टेस्ट में हम क्या इवेलुएट करेंगे वी विल इवेलुएट एन इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन फिर से माइनस वन इंटू लॉगरेथम ऑफ एन इसकी लिमिट निकालेंगे एन अप्रोचेस इन्फिनिटी पे And if this limit is greater than one, series convergent; less than one, series divergent. So let us calculate this limit. So for lambda equal to one, we get n into a n upon a n plus one minus one is equal to one plus gamma n upon n to the power delta. Now again subtracting one, we will get n into a n upon a n plus one minus one minus one is equal to gamma n upon n to the power delta. Uske baad multiplying this with log n. टू अप्लाई हेयर डी मॉर्गन्स टेस्ट सो एन इंटू एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन माइनस वन इंटू लॉगरथम ऑफ एन सो लॉगरथम ऑफ एन आपके पास बोथ साइड सो दिस इज लॉगरेथम एन अपॉन एन टू दावर डेल्टा अब हम इसको यूज करेंगे वेन एन अप्रोच इज इन्फिनिटी दिस इज दिस इज के दिस इज इनफेनाइट अपॉन इनफानाइट फॉर्म सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इससे पहले दिस गामा एन व्हेन एन अप्रोचेस इन्फिनिटी इज बाउंडेड फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन द बिहेवियर ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस दैट इट इज सीक्वेंसेस दैट इट इज बाउंडेड फॉर एन अप्रोचेस इन्फिनिटी इट विल बी लेस देन और इक्वल टू के सो यहाँ पे आपने के यूज़ किया फाइनाइट वैल्यू एंड अप्लाई हेयर एल हॉस्पिटल रूल तो derivative of uh, logarithm n is 1 by n and derivative of n to the power delta is delta n to the power delta minus 1. So, here we are. So, what we get? We get limit n approaches infinity delta time 1 upon delta n to the power delta and n to the power delta is again positive. So, when n approaches infinity this will approach 0. So, k into 0 is again 0 which is less than 1. So, by De Morgan's test समीशन ए एन इज डायवर्जेंट फॉर लैमडा इक्वल टू वन सो अगर अब हम कंबाइंड रिजल्ट लिखें तो क्या है हमारे पास दे आर फोर समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ लैमडा इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट फॉर लैमडा लेस देन और इक्वल टू वन सो दिस इज कंप्लीट प्रूफ ऑफ गॉस टेस्ट नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स गॉस टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट विच वी कैन यूज इफ गॉस टेस्ट एंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ गोज वट वीट टू वट वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस इक्वल टू किस फॉर्म में हमने इसको लिखना है वन पहली टर्म वन होगी प्लस लैमडा अपॉन एन और ऑर्डर ये जो ओ कैपिटल दिस इज ऑर्डर वन अपॉन एन टू दावर वन प्लस डेल्टा मीन्स दिस टर्म्स कंटेन्स हायर पावर्स ऑफ वन अपॉन एन मीन्स जो हायर पावर्स होंगी ना वन अपॉन एन की वो सारी हम ओ में कैपिटल ओ में उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑफ वन अपॉन एन टू दावर वन प्लस डेल्टा इट कंटेन्स हायर पावर ऑफ वन अपॉन एन मीन्स वन अपॉन एन स्क्वेयर वन अपॉन एन क्यूब वन अपॉन एन टू द पावर फोर एंड सो ऑन वो सारे हमारे इस टर्म के अंदर आ गए ठीक है सो लेटेस्ट टू वन नोमरिकल टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज वन टू द पावर पी प्लस वन बाई टू टू द पावर पी प्लस वन इं टू थ्री टू इं टू फोर टू दावर पी प्लस सो ऑन सो अब यहाँ पे अगर हम देखें वी हैव टू निगलैक्ट दिस फर्स्ट टर्म क्योंकि यहाँ पे टू की कोई टर्म नहीं है सो फर्स्ट टर्म इज़ नाउ दिस वन अपॉन टू टू दावर पी सेकेंड टर्म इज़ वन इन टू थ्री टू दावर पी अपॉन टू टू दावर फोर पी एंड वन थ्री फाइव सो इसकी एन टर्म क्या होगी वन थ्री फाइव अप टू टू एन माइनस वन इसकी एनटर्म क्या होगी वन थ्री फाइव की ए इज़ वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स टू सो इट इज़ टू एन माइनस टू प्लस वन इज टू एन माइनस वन सो दिस इज दी एनथ टर्म और डिवाइड में टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू टू एन इट इज टू फोर सिक्स की एन टर्म क्या होगी टू प्लस एन माइनस वन डी कॉमन डिफरेंस इज टू सो इट इज़ टू एन सो हेयर वी आर वट इज ए एन प्लस वन ए एन प्लस वन इज टू एन प्लस वन आ गया यहाँ पे एन को रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन से सो इट इज़ टू एन प्लस वन दिस इज टू एन प्लस टू होल्ड टू द पावर पी अब स्टूडेंट जब भी हम कोई सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम रेशो ही कैलकुलेट करेंगे ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की रेशो टेस्ट लगाएंगे इफ रेशो टेस्ट फेल्स सो so हम डायरेक्ट रेबिस टेस्ट को छोड़ के और डी मार्गेन्स टेस्ट को छोड़ के हम डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे गॉस टेस्ट पे सो वी हैव टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस वन टू द होल पावर पी सो ऊपर से कॉमन ले लिया टू एन नीचे से कॉमन लिया टू एन कैंसल सो इट इज वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉइन टू टू दावर वन अपॉन टू एन होल पावर पी क्लियर सो हेयर वी हैव वन प्लस वन अपॉन एन टू दावर पी प्लस ओवर डिवीजन में वन प्लस वन अपॉन टू एन टू दावर पी अब हम लिमिट लें एन अप्रोच इज़ इनफिनिटी सो यहाँ पे ये वन आ जाएगा और यहाँ पे ये भी ये वन आ जाएगा क्योंकि वन बाई एन कहाँ अप्रोच करेगा जीरो को और वन अपॉन टू एन भी कहाँ पे अप्रोच करेगा जीरो को सो वी विल गेट वन एज द आंसर सो यहाँ पे रेशो टेस्ट तो पहले ही अप्लीकेबल नहीं है इट विल फेल वेन लिमिट इज़ वन सो वी विल नाउ डायरेक्ट कम टू इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रेबीज टेस्ट वी डायरेक्टली कम टू गॉस टेस्ट हियर सो गॉस टेस्ट आपका क्या है रेशो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन को आपने किस टर्म्स में लिखना है वन प्लस लेमडा अपॉन एन प्लस ऑर्डर ऑफ वन अपॉन एन टू पावर वन प्लस डेल्टा सो दिस इज हेयर वी आर वन प्लस वन अपॉन एन टू पावर पी और इसको हमने क्या लिखा ऊपर जाएगा जब ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी अब बाइनोमियल की एक्सपेंशन क्या थी वन प्लस एक्स टू दावर एन वेर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज लेस देन वन इज वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन सो वही बाइनोमियल की एक्सपेंशन हम इन दोनों के लिए यूज करेंगे सो वी हैव वन प्लस एन टू दावर पी की एक्सपेंशन वन प्लस एन एक्स एन क्या है यहाँ पे पी एक्स क्या है वन बाई एन सो पी इंटू वन बाई एन इज पी अपॉन एन पी इंटू पी माइनस वन एन यहाँ पे पी है पी इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्या है वन अपॉन एन वन अपॉन एन हो का स्क्वायर सो प्लस सो ऑन अब वही हम यहाँ पे यूज करेंगे वन प्लस एन एक्स एन क्या है माइनस पी और एक्स क्या है वन अपॉन टू एन सो इट इज माइनस पी अपॉन टू एन प्लस एन into टू एन माइनस वन दैट इज़ पी p टू पी माइनस वन अब यहाँ पे एन जो है वो नेगेटिव है तो इट इज़ माइनस पी माइनस पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल यहाँ पे माइनस पी इसको करेक्ट करो और हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है वन अपॉन फोर एन की होल स्क्वायर एंड सो ऑन अब स्टूडेंट्स हमने ये जो हमारे एक्सप्रेशन आया है हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हम हमें हम हैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑफ़ वन बाय एन बिकॉज कोफिशियंट ऑफ वन बाय एन इज लैमडा जो हमारी डिसाइड करेगा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कोफिशेंट ऑफ वन अपॉन एन बाकी जो सारे कोफिशेंट्स हैं वन बाय एन स्क्वायर के वन बाय एन क्यूब के वन बाय एन फोर्थ के वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वी विल पुट ऑल दोज कोविशंट इन ऑर्डर ऑफ वन अपॉन एन टू पावर वन प्लस डेल्टा हम सारे इसमें डाल देंगे तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई अब वन इन वन फर्स्ट टर्म वन बनानी है क्योंकि गॉस टेस्ट में हमारे पास क्या थी स्टेटमेंट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस लैमडा अपॉन एन क्लियर सो लेमडा को सर्च करना है हमने अब हम कोविशंट कलेक्ट करेंगे कौन सी टर्म्स वन अपॉन एन वाले सो so वन इसको मल्टीप्लाई करोगे वन से तो वी हैव पी अपॉन एन तो एन का कोफिशेंट वन अपॉन एन का कोफिशियंट है वी आर इंटरेस्टेड इन दैट सो कीप इट विद यू उसके बाद इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशेंट किसका आएगा वन अपॉन एन स्क्वायर का सो नो नीड टू मल्टीप्लाई नेक्स्ट मल्टीप्लाई वन विद माइनस पी अपॉन टू एन कोफिशेंट किसका आएगा वन अपॉन एन का सो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट सो कीप इट विद यू उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो एन स्क्वायर का कोफिशेंट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एन क्यूब का कोविशियंट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको तब एन क्यूब का कोविशियंट आएगा तो सारे जो कोविशियंट्स हैं आप वो किसके हैं वन अपॉन एन स्क्वायर के एन क्यूब के एन फोर के, के सारे हायर टर्म्स आ गई तो हमने सारी हायर टर्म्स लिखने की जगह क्या यूज़ किया ओ कैपिटल ओ वन अपॉन एन टू पावर वन प्लस डेल्टा एंड हेयर वी राइट दैट दिस स्टैंड्स फॉर द टर्म्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ वन अपॉन एन सो वट इज़ अवर लैमडा नाव कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन एन सो यहाँ पे आपको अगर इसको कैल्कुलेट करो तो इट इज़ पी अपॉन टू एन और नेक्स्ट टर्म में हम इसको क्या लिखेंगे पी बाय टू डिवाइड बाय एन सो कोफिशियंट ऑफ वन बाय एन इज़ पी बाय टू सो पी बाय टू क्या हो गया लैमडा So, series is convergent by Gauss' test. Series is convergent whenever lambda is greater than 1. That is, whenever p by 2 is greater than 1. And divergent whenever p by 2 lambda is less than or equal to 1. So, series is convergent whenever p by 2 is greater than 1, means p is greater than 2. And divergent whenever p by 2 is less than or equal to 1, means p is less than or equal to 2. So, this completes the proof. Next is question 2 discuss the convergence of this series. सो सीरीज इज गिवन टू यू एनअ टर्म इज गिवन टू यू सो यहाँ आपने एनअ टर्म नहीं बनानी है अब ए एन प्लस वन एड टर्म आपने निकाली रिप्लेस एन विद एन प्लस वन सो वी आर हेयर टू एन माइनस वन रिप्लेस एन विद एन प्लस वन सो वी हैव टू एन प्लस वन टू एन अपॉन टू एन प्लस टू एक्स टू दावर टू एन प्लस टू अपॉन टू एन को आपने रिप्लेस किया एन प्लस वन से सो यू हैव टू एन प्लस टू सो एंड अपॉन ए एन प्लस वन आपके पास क्या आ गया आपका ये सारा कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद टू एन प्लस टू टू एन प्लस टू ये दो बार और आपके पास डिनोमिनेटर में टू एन प्लस वन और ये टू एन और यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर सो आपने कॉमन लिया ऊपर से टू एन इंटू टू एन सो इट इज़ फोर एन स्क्वायर नीचे से कॉमन आ गया टू एन और ये टू एन इट इज़ फोर एन सो दिस कैंसल्स एंड यू आर हेयर लेफ्ट विद वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन वन प्लस 1 upon 2n and it is into 1 upon x square so taking limit n approaches infinity this is 0 1 plus 0 is 1 1 plus 0 is again 1 1 plus 0 is again 1 so 1 into 1 upon x square is 1 upon x square so by ratio test this series is convergent whenever 1 upon x square is greater than 1 and divergent whenever 1 upon x square is less than 1 and take case fails whenever x square is equal to 1 सो एक्सक्वायर इक्वल टू वन पे केस जब फेल होगा हमारा वी विल गो टू गॉज टेस्ट डायरेक्ट रेबिज टेस्ट को स्किप किया रेबिस टेस्ट अगर फेल होता तो हम डीमॉर्गेन्स टेस्ट लगाते हमने उसको भी स्किप किया वी विल कम डायरेक्टली टू गॉज टेस्ट सो गॉज टेस्ट आपके पास क्या होगा फॉर एक्सक्वायर इक्वल टू वन एन अपॉन ए एन प्लस वन इज वट इज वन प्लस वन वन प्लस वन बाई एन दो बार था तो इट इज स्क्र अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू एन सो इसको ऊपर उप, लेके आएंगे नमरेटर में सो इट इज विध माइनस वन सो नाउ एक्सपैंड दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स इज वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स का एक्स की रेस टू पावर एन की एक्सपेंशन वट इज़ वन प्लस एक्स टू पावर एन एक्सपेंशन वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो आपके पास क्या आ गया वन प्लस एन कितना है यहाँ पे माइनस वन सो इट इज़ वन प्लस एन एक्स एक्स कितना है वन अपॉन टू एन एन इंटू एन माइनस वन सो एन इज़ माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल और एक्स क्या है वन अपॉन टू एन स्क्वायर एंड सो ऑन सो वी आर हेयर अब हमने फिर से उसी तरह वी आर इंटरेस्टेड इन कोफिशंट्स ऑफ वन अपॉन एन वन अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन एन क्यूब के कोफिशंट्स हमने नहीं लेने हैं वो हमने किस में कवर करने हैं ऑर्डर ऑफ वन अपॉन एन टू द पावर वन प्लस डेल्टा में सो नाओ लेटर्स नाओ मल्टीप्लाई वन विद वन वी विल टेक इट वन अपॉन वन इन टू वन माइनस माइनस वन बाई टू एन सो ये भी हमें लेना है दिस कीप दिस उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वन से कोफिशंट किसके आ रहे हैं वन अपॉन एन स्क्वायर के इसको हमने नहीं रखना है उसके बाद टू बाई एन को मल्टीप्लाई करोगे वन से सो so हमने इसको रखना है सो वी विल टेक दिस टू अपॉन एन उसके बाद हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे आपकी एन की पावर फोर की टर्म आएगी इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे सो so आपकी एन की पावर थ्री की टर्म आएगी इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे सो so आपकी एन की पावर टू की टर्म आएगी सो so आपके पास क्या आ गया दीज ऑल आर टेकन इन दिस एंड वेयर दिस इज स्टैंड फॉर टर्म्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ वन बाई एन सो अब अगर हम वन बाय एन का कोविशेंड कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आ गया टू माइनस वन बाय टू सो इट इज थ्री बाय टू इस थ्री बाय टू को हमने लिखा यहाँ पे थ्री बाय टू अपॉन एन सो अब लैमडा कितना आ गया हमारा थ्री बाय टू सो बाई गॉस टेस्ट because lambda is now greater than 1 then series is convergent so by gauss test series is convergent so your complete result summation a n is convergent whenever x square is less than or equal to 1 and divergent whenever x square is greater than 1 so this completes the lecture in the la next lecture we will take some more numerical based on gauss test so thank you for watching the video